अगर वो आपको वहाँ मिल भी जाती तो जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है वो ठीक तो नहीं हो जाना था ना, इसलिए बेहतर आप छोड़ दें उनका पीछा। किसने लिया फिर मेरे पैसे बताओ? तुमने तो नहीं लिए कहीं? तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे अपने घर में चोरी करूंगा क्या मैं? तो फिर कहां गए मेरे पैसे? हो गए होंगे तुमसे कहीं खर्च, याद करो। वैसे अगर आप इजाजत दें तो वो अपनी जॉब ज्वाइन कर सकती है। हर किस नहीं, जब मैंने मना कर दिया है तो इस पे बात क्यों हो रही है? बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। अभी आपको याद कर रही थी। बड़ी ताकत है आपकी सोच में। सच्चे सोच में नहीं, मोहब्बत में। ओहो, अब इस पर कौन काफिर शक करे। तैयारी हो गई आपकी? अब अभी वो ही कर रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इवेंट वाले दिन क्या पहनूंगी। अभी कुछ निकाले हैं कपड़े, लेकिन समझ, आप करें ना मेरी हेल्प, बताएं मुझे कौन सा पहनूंगी। ये वाला देखें, मैंने यही डिसाइड किया है कि ये वाला पहन लूंगी इवेंट वाले दिन। अच्छा, ये वाला भी है, ये कलर भी अच्छा है ना? कोई भी नहीं। मतलब ये कि आप अपने भाई की शादी पर जा रही है ना, तो पुराने कपड़े तो नहीं लेकर जाएंगी? पुराने तो नहीं है, अभी अपनी शादी पर ही तो बनवाए थे। शादी पर बनवाए थे लेकिन पहने भी तो थे ना, पुराने हो गए। आप अपने लिए नई शॉपिंग करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी सजल सबसे ज्यादा हसीन है, सबसे। वो तो मैं लगूंगी, आपकी मोहब्बत है ना वो काफी है। बहुत करेक्ट बातें करने लग गई आप मिसेस सजल। खैर, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे अलग लगे यार, व्हाई नॉट शॉपिंग करें। आपको बहुत मिस कर रही हूँ, और इवेंट्स पर तो और ज्यादा मिस करूंगी। काश आप यहाँ होते ना। करना भी चाहिए और बनता भी है। मैं आपके पास हूँ सचिन, बिल्कुल आपके पास। आपकी आंखें आपके लफ्जों का साथ नहीं दे रहे। क्या हुआ अशर? कोई बात है? आप परेशान लग रहे हैं। यह आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं हो गए? है थोड़ी सी प्रॉब्लम, अलीजे को लेकर थोड़ा टेंस्ड। अशर इतना मत सोचे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह उसके नसीब अच्छे ही करेंगे। इस बात ये है कि यार, फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग लाइक कि मैं अपनी बहन की सपोर्ट नहीं कर पा रहा। वो जो चाह रही है मुझे उसमें उसके साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट एबल टू डू दैट। क्या मतलब अशर? मतलब ये कि आप जानती हैं ना कि वो जॉब करना चाहती है, लेकिन अम्मी अशर पता नहीं मेरा हक बनता है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अलीजे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो कुछ फरीना अभी के साथ हुआ या उन्होंने किया, भाई अलीजे के साथ भी और वैसा ही वो करे। मैं समझती हूँ वो बहुत समझदार सुलझी हुई लड़की है, वो यकीनन अपने लिए कोई अच्छा फैसला करेगी। जानता हूँ, ठीक कह रही हैं आप, ऐसा ही है। तो फिर उस पर यकीन कर और उसे करने दें जो वो करना चाहती। सही है, करता हूँ कुछ इस बारे में।
मैं तो कहती हूँ बहन, बचाएं अपने बेटे को और दूर रखिए इनकी बेटी से। अलीज़े, तुम रो रही हो? नहीं भाभी। अशर से बात हुई? क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं। उन लोगों की बातों को लेकर परेशान हो रही हो ना? मत हो, हमें भी ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना था जो कानों के इतने कच्चे हों। मतलब किसी ने कोई बात कर दी और उन्होंने रिश्ते खत्म कर दिया। भाई भी मुझे यही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने तो आंटी से भी कहा था कि तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ, शादी वाला घर है, दिल बहल जाएगा तुम्हारा, लेकिन आंटी ने मना कर दिया। मैं कैसे जा सकती हूँ भाभी? मम्मी अकेली रह जाएंगी और जो कुछ हुआ है उसके बाद वो बहुत डिस्टर्ब है। मेरी जान, जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो आंटी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम्हें ठीक देखकर। और ना, माएं बेटियों के लिए ऐसे परेशान होती हैं। आप बिल्कुल भाई की तरह बातें करती हैं, बिल्कुल आप जैसे हैं वो भी। तुम भी मुझे अशर की तरह ही अजीज हो। परेशान मत हो गई, मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। अब रोना मत, आंटी के साथ टाइम पर आ जाना, मैं इंतजार करूंगी, ठीक है? इंशाल्लाह भाभी, आऊंगी मैं। मैं इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सचिन की देखो ना, हमाद भाई की ससुराल से दोपहर में ही आया है सारा फर्नीचर। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। भाई, आपको नहीं लगता कि कर्टन मैच नहीं हो रहे उस तरह से? हाँ हाँ, सही सही कह रही हो, थोड़े से ऑफ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, टाइम तो बहुत कम रह गया, बाद में देख लेंगे। ये भी ठीक है। ठीक कह रहे हैं भाई। वैसे सजन, मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि भाई की ससुराल से इतना सब कुछ आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना, इतने कम दिनों में भी उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है, सब भेज दिया है। फिर भी अब खैर, हम लोग मार्केट कब जा रहे हैं? अशर ने मुझे फोन पे कहा था कि इवेंट के लिए मैं अच्छा सा जोड़ा लेकर आऊं। हाँ हाँ, अगर निकाह सादगी से हुआ तो वलीमा तो धूमधाम से होगा भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हीरा, देख कर आओ कि अगर अम्मी की लंबी सी नमाज खत्म हो चुकी है तो फिर हम सब निकलते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। भाई, आपके लिए दुआएं कर रही होंगी नमाज में, और किसके लिए कर रही होंगी। जाओ पूछो, जाओ पूछती हूँ, सबर करे। फिर वही बात, क्यों उस बात के पीछे पड़ गए हो तुम? जब मना कर दिया तो कर दिया। अम्मी प्लीज, बात को समझने की कोशिश करें। मेरी अलीजे से बात हुई थी, वो बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस्ड है। जो भी कुछ उसके साथ हुआ आसान तो नहीं है। रिश्ते वाली बात को लेकर वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है, तो हमारी तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करें। आप कह रही हैं कि वो जॉब ना करे। बड़ी ने जो किया उसके बाद की सजा आप छोटी को तो नहीं देंगी ना? अलीजे हमेशा से फरमा बरदार है, आप भी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। अलीजे को उसकी सजा नहीं देंगे हम। पर अम्मी, मुझे अलीजे पर पूरा भरोसा है, यकीन रखें वो ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेगी जिसका हमें बाद में अफसोस। मान जाए बात, ये ना करें प्लीज। मैं ऑफिस में हूँ, मुझे काम है, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। इधर आओ, मेरे पास आके बैठो।
नौकरी करने की इजाजत मांगी है तुमने अशर से? जी ठीक है, अशर के कहने पे मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, कर लो तुम भी अपनी इज्जत पूरी। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, मैंने और तुम्हारे भाई ने तुम पे बहुत भरोसा और एतमाद करके तुम्हें घर से बाहर निकलने और नौकरी करने की इजाजत दी है। हमारा भरोसा और एतमाद मत तोड़ना। अम्मी मैं आपके एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। मेरी प्यारी बेटी हो तुम, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे इंटरव्यू की कॉल भी आई थी लेकिन किसी पर्सनल इशू की वजह से मैं आ नहीं सकी थी। नाम क्या है आपका? अलीज़ अहमद। आपका इंटरव्यू तो मंडे को स्केड्यूल था, आपने मिस कर दिया। फोन करने का मकसद? आई नो सर, मुझसे मिस हो गया, लेकिन I wanted to ask कि अगर आप लोगों के पास वैकेंसी है तो मैं आके इंटरव्यू दे दूं। भाभी मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हो गया है भाई? अम्मी ने मुझे जॉब की इजाज़त दे दी है, कुछ ही देर में मेरा इंटरव्यू है। सच में ये कैसे हुआ? वो मान कैसे गई? भाई ने अम्मी से बात की थी एंड आई एम श्योर आप ही ने कन्विंस किया है ना भाई को। जैसे उनकी मर्जी थी उन्होंने वही किया। अलीज़ा तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। जानती हूँ, मेरी तो बस यही दुआ है कि तुम कामयाब रहो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच भाभी, बस अब मैं निकलती हूँ वरना देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Thank you.
जीती रहूं। बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रही मेरी बहन। भाई मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। अरे फिक्र नहीं करो, अभी निकाह हो जाएगा तो ये सारी घबराहट खत्म हो जाएगी। ये रोशना कहाँ रहेगी? भाई भाई आपने मुझे माफ कर दिया है ना? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं माहम, बस मान टूटने का अफसोस था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हम आज जिस इज्जत और मान से तुम्हें प्यार कर ले जा रहे हैं उसका मान कभी टूटने मत देना। तुम्हारा मेकअप कमजोर है माहम, मेरी बात समझ रही हो ना? तुम्हारा भाई बहुत कमजोर है, लेकिन यकीन रखो मैं तुम्हारी खुशियों के लिए सारी उम्र दुआ करूंगा, दुआ को रहूंगा। सलामत रहो, मैं रिश्ता को देखता हूं। खास तौर पर मुझे तो इतनी बातें सुना रही थी, यानी थी कि मैं उनकी बेटी को बेवकूफ बनाकर घर से भगा कर ले गया और माल भी लूट लिया। कौन सा माल? बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही ना जाऊं। फरहीन, फर क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम यहाँ आराम से बैठ के टीवी देख रही हो? तुम्हारी अम्मा ने मेरे भाइयों के घर जाकर हंगामा किया है। कितना बड़ा हंगामा किया तुम्हें अंदाजा है इस बात का? और वो भी हमारी तलाश में। या? अम्मी तो तुम्हारे घर पहुंच गई? हाँ, भाई की कॉल आई थी, बता रही थी कि बहुत गुस्से में थी और पता नहीं कितनी बातें सुनाई है। क्या क्या क्या
क्या पूछ रही थी? हम दोनों के बारे में पूछ रही थी। जाहिर सी बात है फरीद, हमारी तलाश में ही वो घर तक पहुंची है ना, और खास तौर पर मुझे तो इतनी बातें सुना रही थी, यानी थी कि मैं उनकी बेटी को बेवकूफ बनाकर घर से भगा कर ले गया और माल भी लूट लिया। कौन सा माल? कौन सा फरहीन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। वो मुझे ये बताओ, तुम्हारे भाई ने हमारे घर का एड्रेस तो नहीं दिया ना? उन्होंने मेरी बात सुनी ही कहा, बस कह दिया जो भी तुम्हारे झमेले हैं ना वो घर तक ना पहुंचे, खुद संभाल, और ये कहकर कॉल कट कर दी। तो तुमसे कोई अकलमंदी की उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती। बस मुझे बोलती रहो तुम, अब करना क्या है? मुझे क्या पता क्या करना है, सोचने तो दो। ये लो, उठा लो। भगा कर ले गया उनकी बेटी। अरे मोहब्बत करता हूं मैं। अब टेंशन से क्या होगा, खा तो लो। बात सुनो, बड़े नसीबों वाली है ये माहम, बेवा होने के बावजूद भी इतना शानदार रिश्ता मिला है, लड़का कमा रहा है और स्टोर भी अपना है। और देखो तो जेवर और कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। सही बोल रही हूँ। आरिफा बहन, लड़की बेवा है? बेटे का निकाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन आपने बताया नहीं जिससे बेटी की शादी कर रही है वो तो बेवा लड़की है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सच बताऊं, आपने बड़ी नेकी का काम किया, बड़ा अच्छा अजर मिलने वाला है आपको। बस नहीं, वो तो बस ऐसे ही। आप समझ में आया? आप इतनी जल्दी क्यों कर रही थी, हथेली में सरसों जमा रही थी? मेरी फरहीन की तलाक पे तो आप सबने बड़ी बातें की थी। हाँ अम्मी। हाँ हमार भाई आपको बुला रहे हैं, ग्रुप फोटो होना है ना फैमिली का। आंटी आप लोग भी आ जाए ना। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। जा ड्रामेबाज कहीं की मुंह देखी कि आप भी आ जाएं। अम्मी आपको क्या जरूरत थी आरिफा आंटी से इस तरह से बात करनी? तुम चुप करो, तुमने अपनी भाभी जान के कारनामे नहीं देखे, कैसे फंकारी से अपनी माँ का हाथ पकड़ के लेके चली गई, बात कर रही थी ना उससे। फिर भी आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इनके घर का मामला। बस कर दो, अच्छे से जानती हो इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो तुम।
के तो चौंचले ही नहीं खत्म हो रहे। मैं तो कह रही हूँ चलो घर चलते हैं, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, अब नहीं बैठा जा रहा मुझे। कुछ देर रुक जाते हैं ना? नहीं बस चलते हैं, कह दिया ना मैंने, थक गई हूँ मैं बहुत, चलो निकलो। मैं भाभी को बता के आती हूँ। अब मैं क्या गाड़ी में अकेले इंतजार करूंगी, चल जल्दी जाके बता करा, तेरे तो नखरे ना। अशर शायद तुम भूल गए हो फरहीन में कितने कीड़े निकाले थे उन लोगों ने, और तुम्हारी बेगम ने अपने भाई के कान कैसे भरे थे फरहीन के लिए ये कह के फरहीन चलाक है मक्कार है। अब तुम्हारी सास कैसे एक बेवा को बहू बना के ले आई, और मजे की बात तो ये है कि तुम्हारी बीवी ने इस बात की हमें हवा तक नहीं लगने दी। अम्मी ये सब कुछ मुझे बताने की क्या जरूरत है आपको, और वो फरी की बात तो ना ही करें आप, उन्होंने जो कुछ किया भूल गई हैं क्या आप? आप भूल गई होंगी लेकिन मैं नहीं भूला, मुझे सब याद है। और जिस तरह से उन्होंने भाग कर निकाह किया है तो आपके और मेरे कहने पर हमाद भाई से तो वो शादी करने नहीं वाली थी, शुक्र करें कि वो जिल्लत बच गई। वाह बेटा वाह, तुम तो अपनी बीवी की ही हिमायत करोगे ना, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ वहां क्या सुलूक हुआ है। खाने पीने का पूछना तो दूर, उन्होंने बैठने तक का नहीं पूछा हमसे, और बहू साहिबा वो तो खुद इधर उधर फिर रही थी। अम्मी क्या हो गया आपको, शादियों पे ऐसी बातें हो जाती, उसके इकलौते भाई की शादी थी, अगर उससे थोड़ी सी गफलत हो गई तो आप भी नजरअंदाज कर सकती हैं ना। नहीं मैं ये कहती कि उसे पता था ना कि अशर तो शादी में नहीं आ सकता, तो कम से कम सास और नंद की सही से खातिर तवाज़ा कर ले। लेकिन नहीं, उसने तो हमारी परवाह ही नहीं की। आप क्यों इतनी छोटी छोटी बातों का इशू बनाने लग गई, पहले तो ऐसा नहीं करती थी आप। मैं बनाती हूँ मसला, ठीक है फिर मैं वलीमे में जाऊंगी ही नहीं, वैसे भी क्या फायदा, ऐसे बेकदरों के घर जाके मुझे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। मम्मी प्लीज मत करें ये सब कुछ, अच्छा नहीं लगता है। आप नहीं जाएंगी तो लोग बातें बनाएंगे, क्यों मौका देती हैं लोगों को। हाँ तो करें, जब उन्हें परवाह नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं। बस अशर अब रखो फोन, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। क्या हुआ अम्मी, इतना खफा क्यों हो रही हैं? क्या हुआ? सज्जल ने जो कुछ किया है उस पे क्या मैं खुशियां मनाऊं यहाँ पे? उसकी माँ से अभी मैं बात करने ही लगी थी कि वो अपनी माँ को खींच के ले गई थी। अब ऐसा है तो ऐसा ही है। मतलब? कोई मतलब नहीं है, चाय का बोला था, जाओ तुम। मुझे ही शौक था अपनी बेइज्जती करवाने का, पहुंच गई शादी में मैं, कसूर तो मेरा ही है ना। रुश्ता चाय का कप बना दो यार, बहुत थकावट हो रही है। पता था मुझे आपको फौरन ही चाय की तलब हो, इसलिए आपके कहने से पहले ही बना ली। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, कितना ख्याल रखती हो ना तुम मेरा। हाय आप भी तो इतना ख्याल रखते हैं हमारा। मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है, माहम के रिश्ते को लेके मैं जितना परेशान था खुदा ने उतने ही करम किया है, सब कुछ कितने अच्छे से हो गया ना। मुझे तो यकीन नहीं था इतनी आसानी होगी। मेरा भी शुक्रिया अदा कर, अगर मैं आपको नहीं समझाती ना तो सारी जिंदगी पछतावा, खामखा आप उस रिश्ते को लेके इतना गुस्सा हो गए थे। हाँ शायद ठीक कह रही हो तुम, पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आ गया हमाद के रिश्ता लेके आने पर। हमारी झूठी इज्जत और खामखा की ना बड़े मसाइल पैदा करती है हमारे लिए। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, बस अब दुआ करें कि माहम इस रिश्ते को निभा ले, कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। पता नहीं आपने देखा या नहीं, उसकी सास का मिजाज ना बहुत उखड़ा उखड़ा था, अलबत्ता नंदे बड़ी खुश थी। hmm.
चाय कैसी बनी? अच्छी है। यकीन नहीं आ रहा कि किस्मत इतनी मेहरबान भी हो सकती थी मेरे पर। सच कहूं तो जब आपके भाई ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, मुझे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे हाथों से मेरी जिंदगी फिसल रही हो। और अब देखो, मेरी जिंदगी मेरे सामने बैठी है, मेरे हाथों में। आप भी कुछ बोलिए। आपसे एक बात पूछूं? आपका जो दिल करता है आप पूछें। मैं तो एक आम सी लड़की हूं, फिर बेवा। आज तो ये बात कर दी, आइंदा से ऐसा कुछ ना कहिएगा। आप मेरे लिए क्या हैं ये मेरा दिल जानता है। आप इतने अच्छे हैं, मुझसे हर लिहाज में बेहतर है, फिर आपको मुझ में क्या नजर आया? मेरी फैमिली भी माहौल, मगर इस सवाल को लेकर मैं सोचना शुरू हो जाऊं तो शायद मुझे भी जवाब ना मिले। लेकिन मैं बस ये जानता हूं कि किस्मत ने हमें मिलाना था, एक करना था। तो फिर ये सोचने बैठ जाना कि क्या, क्यों, कैसे, ये सारे जवाब तलाश करना बेमायने हो जाते हैं। मुश्किल सही, लेकिन अब जो हम एक हो चुके हैं तो क्यों ना ये सब भूल जाएं? क्या ये काफी नहीं है कि हम एक हो चुके हैं? हमाद, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कभी मुझसे कोई शिकायत ना हो। मेरी भी यही कोशिश रहेगी, और वही कोशिश का आगाज करते हुए ये छोटा सा नजराना आपके लिए, क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्दी होगी तो मेरे पास कुछ खास वक्त नहीं था। इसलिए सिर्फ ये रिंग अरेंज कर पाया। बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो या वाकई खूबसूरत है? सच में बहुत खूबसूरत है। ये फिर भी इस कमरे में दूसरी सबसे खूबसूरत चीज है। मां, मैं बस चाहता हूं कि आप मेरे से ज्यादा मेरे घर वालों का ख्याल रखें, और सबसे बढ़कर इस घर के सुकून का ख्याल रखें। सुकून से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए।
मैं वादा करती हूँ कि आपकी तवक्कात पे पूरा उतरूं। मुझे बहुत खुशी है। कल फंक्शन में आपको बहुत मिस किया। आप यहाँ होते तो हर चीज़ और भी खूबसूरत लगती। अंदाज़ा है मुझे, मैंने भी कल आपकी कमी को बहुत फील किया। अच्छा वो अशर, आप मुझे कब बुलाएंगे? आपने कहा था कुछ दिनों में बुला लेंगे मुझे अपने पास। आई एम रियली सॉरी यार सजा, आई नो बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन हालात जो हैं आप जानती हैं। खैर फिर भी मैं ये कहूँगा कि कुछ दिन की बात है, आप फिक्र मत करें, हम बहुत जल्द साथ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल का इवेंट कैसा रहा? जी अल्लाह का शुक्र है सब बहुत अच्छा था, और अलीज़े और आंटी भी आई थी, मुझे बहुत खुशी हुई इन्हें देखकर। सजल मैं ये कह रहा था कि अम्मी का मिजाज तो आप समझती हैं, तो अगर कभी इस तरह से कोई इवेंट वगैरह हो तो ज़रा उन्हें बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल दे दिया कीजिए। क्या हुआ अशर, कोई गलती हो गई है मुझसे? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये है कि अम्मी थोड़ी थक गई थी कल के इवेंट से, तो शायद आज वलीमे में ना आ सके। अच्छा चलें कोई नहीं, मैं आंटी से खुद फ़ोन पर पूछ लूँगी कि वो आ रही हैं या नहीं। अच्छा ये बताइए आज वलीमे में कौन सा ड्रेस पहनने वाली हैं? सजल 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 किधर हो, नीचे आओ। अच्छा शर, अम्मी बुला रही है, उनके साथ मिलकर नाश्ता बनाना है, मैं आपको बाद में फ़ोन करूं? हाँ हाँ जाइए। अच्छा सुने, ये आंटी को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा, मैं खुद भी ऑफिस पहुँच कर इन्हें कॉल करूँगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। जी ज़रूर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सजल आई अम्मी देख दे।